का आगाज करते हैं गोरखपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री ने भगवान गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की है। नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर मत्था टेका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। मंदिर परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार से पहले अब भगवान का आशीर्वाद लेने की ये बात कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमूमन अपने दिन का आगाज भगवान की पूजा अर्चना के साथ करते हैं और अब गुरुओं की समाधि पर मत्था टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। देवी देवताओं की पूजा भी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से पश्चिमी यूपी में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। पार्टी की ओर से तय किए गए कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री 5 दिनों में 15 जिलों का दौरा करेंगे। सबसे पहले कान्हा की नगरी यानी मथुरा में चुनावी शंखनाद होना है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर मथुरा श्री बाबा विश्वविद्यालय के मैदान में उतरने वाला है। यहाँ से सीधे सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचकर भगवान के दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद सीधे गोवर्धन चौराहा मंगलम रिजॉर्ट पहुंचेंगे, प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। मथुरा मेरठ गाजियाबाद में चुनावी कार्यक्रम होने हैं। मुख्यमंत्री योगी आज दोपहर 1 बजे मेरठ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मेरठ के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचेंगे, गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम शिरकत करेंगे। 2:30 बजे गाजियाबाद के दीनदयाल ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होना है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में डॉक्टर इंजीनियर्स अधिवक्ता साहित्यकार उद्यमियों के साथ कुल मिला के 1500 लोग मौजूद रहने वाले हैं। तो आज से ताबड़तोड़ प्रचार आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करना शुरू कर रहे हैं और पश्चिमी यूपी में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। एक दिन में 3-3 चुनावी सभाएं करेंगे और जो जानकारी है उसके मुताबिक 5 दिनों में 15 जिलों का दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले कान्हा की नगरी मथुरा पहुंच रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे आज और इस खबर पर जानकारी के साथ। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां से अमित राणा हमारे सहयोगी समय मौजूद है। अमित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से चुनावी प्रचार ताबड़तोड़ सिलसिले से शुरू हुआ है। 15 दिनों में 15 जिलों का 5 दिनों में वो दौरा कर लेंगे। गाजियाबाद में क्या तैयारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की? बिल्कुल दंचन, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही चुनावी शंखनाद बजा है लोकसभा चुनाव 2024 का, उसके बाद से ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में होंगे। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम है जहां पर तकरीबन 2:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री आएंगे और यहां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को यहां पर संबोधित करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है तकरीबन 1500 लोगों के आने की यहां पर आशंका जताई जा रही है, जिनमें की वकील होंगे, डॉक्टर्स होंगे, जो उद्यमी हैं, बड़े उद्यमी हैं वो होंगे और जो साहित्यकार हैं वो तमाम लोग यहाँ पर शामिल होंगे। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कंचन कि जैसे ही चुनावी शंखनाद बजा उसके बाद से ताबड़तोड़ यहाँ पर इस तरीके आज की मथुरा मेरठ और फिर गाजियाबाद, अंत में गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं। आप बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि तैयारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर पहुंचने की गई हैं। आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ मेरठ से निखिल अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। निखिल से ले लेते हैं जानकारी, मेरठ भी आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। निखिल, मथुरा मेरठ फिर गाजियाबाद, मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर पहुंचने की क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, चुनाव प्रचार का आगाज आज वेस्ट यूपी में करेंगे और खुद योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये कमान संभाली है और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि कान्हा की नगरी से शुरुआत करेंगे। और बात करें अगर मेरठ की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीति का गढ़ माना जाता है मेरठ और मुख्यमंत्री यहां करीब 1 बजे पहुंचेंगे। हम इस समय मेरठ के चौधरी चरण सिंह प्रेक्षालय के बाहर खड़े हैं जहां पर उनका कार्यक्रम होना है। यहीं पर वो प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शहर के जो संभ्रांत नागरिक है और वेस्ट यूपी के जो संभ्रांत नागरिक है वो यहां पहुंचेंगे
और एक मैसेज देंगे हिंदुत्व का, इसके अलावा मैसेज देंगे कि किस कार्यों को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने वोटरों से वोट मांगेगी। और यहां पर टिकट अरुण गोविल का कर दिया गया है जो रियल लाइफ के राम है, और उन्हीं को लेकर आज मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और प्रबुद्ध लोगों के बीच जाएंगे और ये समझाएंगे कि क्यों भाजपा को वोट दिया जाए और कैसे भाजपा आने वाले समय में विकास करेगी मेरठ को, चूंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी मजबूत कर दिया है। तो ऐसे में और उनके कार्यों को लेकर लोगों में वैसे ही उनकी प्रशंसा है, और जिस तरीके से इमेज योगी आदित्यनाथ ने अपनी क्रिएट की है उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर एक खासा एक माहौल भी डेवलप है, लोग उत्साहित हैं उनको सुनने के लिए। और मेरठ के चौधरी चरण सिंह प्रेक्षालय में आज करीब 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, सबसे पहले मथुरा पहुंचेंगे, उसके बाद मेरठ पहुंचेंगे और मेरठ में लोग दोपहर में मेरठ पहुंचने का कार्यक्रम है। निखिल, लौटूंगी मैं आपके पास, मथुरा जाएंगे, यहां से नितिन गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। नितिन, मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है शंखनाद करने जा रहे हैं चुनाव प्रचार का, मथुरावासी कितने उत्साहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर, क्या तैयारी है मथुरा में की गई है उनके लिए? देखिए, मुख्यमंत्री आज चुनावी शंखनाद होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद होगा। शंखनाद करने से पहले मुख्यमंत्री जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पर बताते हैं कि वो धर्मस्थल पर जाते हैं, तो आज भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, और करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री जन्मभूमि पर पहुंचकर विशेष चर्चा करेंगे। जो हमारे श्रीकंद जन्म स्थान के जो प्रबंधक है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि आज की जो मुख्यमंत्री की पूजा है वो विशेष पूजा है, और उस पूजा को करने के बाद मुख्यमंत्री कार्यस्थल पर पहुंचे हैं जहाँ प्रबुद्ध जन सम्मेलन है। वहां पर जो प्रबुद्ध जन लोग बताएंगे कि किस तरीके से प्रदेश सरकार ने जो माफिया राज को खत्म किया है, प्रदेश सरकार ने किस तरीके से महिलाओं को जो है सुरक्षा प्रदान करी है, साथ ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उम्मीदवारों के लिए जनता के बीच में पहुंचने वाले हैं, आज से ताबड़तोड़ प्रचार मुख्यमंत्री शुरू करने वाले हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से चुनावी शंखनाद कर सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। 30 मार्च को पीएम मोदी की रैली है, आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की मौजूदगी में 30 मार्च को पीएम मोदी मेरठ का चुनावी अभियान शुरू करने जा रहे हैं। जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रालोद भाजपा गठबंधन एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि रालोद बिजनौर और बागपत सीट पर मशक्कत कर रही है। रालोद भाजपा गठबंधन के बाद यह पहला मौका होगा जब पीएम मोदी रालोद मुखिया जयंत चौधरी एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। तो यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है, लिहाजा आज कई प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। पीलीभीत सीट पर जितिन प्रसाद नामांकन दाखिल करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। आज 27 तारीख और 27 तारीख तक ही नामांकन होना है। भूपेंद्र चौधरी के अलावा मेरठ से अरुण गोविल पर्चा दाखिल करेंगे। सहारनपुर सीट पर बीजेपी के राघव लखनपाल हैं, वो भी नामांकन दाखिल करेंगे। और इसके बाद आपको ये बताएं, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक उनके साथ मौजूद रहेंगे, जो जानकारी मिल रही है। तो अरुण गोविल, जिनको मेरठ से इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, आज पर्चा दाखिल कर सकते हैं। पीलीभीत से जितिन प्रसाद, जिनको इस बार मौका दिया है वरुण गांधी का टिकट काट के, अब ये भी पर्चा आज दाखिल करने जा सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो आज अंतिम दिन है पर्चा दाखिल करने का, नामांकन फाइल करने का। 27 तारीख है पहले चरण का मतदान होना है, उससे पहले तमाम उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करना होगा, नामांकन करना होगा। अब पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दौर है, ऐसे में पश्चिमी यूपी में अब पर्चा भरने के लिए हलचल तेज हो गई है। मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, इसके साथ ही उम्मीदवारों ने जीत का दावा भी ठोका। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट, इस चुनावी जंग में किसका पलड़ा भारी है, किसकी। तो देखिए, इतने हुए हैं कि उनको गिनाया नहीं जा सकता, मतलब जितने काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिए हैं इन सालों में,
मुझे नहीं लगता अगर उसके आगे एक जीरो भी लगाई जाए तो उतने सालों में वो काम हो पाते, इतना उन्होंने काम कर दिया है। उनकी जो इच्छा है, जो विल पावर है उनकी, उनकी जो एनर्जी है, वो आज तक किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिशियन में देखने को नहीं मिली, और मुझे वो पॉलिटिशियन नजर ही नहीं आते अब। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है, इसलिए बीजेपी के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना पर्चा भर रहे हैं। लेकिन जो उत्साह बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में दिखा, वो तस्वीर किसी और पार्टी से नहीं आई। मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हमें प्यार करता है जनता, हमारा परिवार है। दरअसल कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक बयार बहती है वही पूरब तक जाती है। इस राजनीतिक बयार को अपने पक्ष में करने के लिए अब बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी यूपी में कुल 27 लोकसभा सीट है, 27 में से 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। पश्चिम में जाट वोटर कई सीटों पर निर्णायक है। जाट वोट बैंक पर जयंत चौधरी की पकड़ मानी जाती है। जयंत चौधरी पर एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। उधर मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन के बाद भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत का दावा किया। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर चल रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और जिस ढंग से यहाँ पर हमारा गठबंधन है चौधरी जयंत सिंह जी के साथ, मुजफ्फरनगर में विपक्षी दलों की जमानत जब्त होगी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी संजीव बलियान जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। हम लोगों ने जो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में काम किए, उन कामों के आधार पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के आधार पर, हम लोग जो उनका संकल्प है 400 पार का, उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद भी अपना उसमें योगदान देगा, इस अपेक्षा के साथ हम जनता के बीच में हैं। मुझे विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने पूरे सरकार का 10 साल का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर 18% से ज्यादा जाट है। बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जाट वोटरों को साधने के लिए दांव चला। इस चुनाव में भूपेंद्र चौधरी की भी परीक्षा है कि वो बीजेपी की उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं। वहीं आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की अगुवाई में ये पहला लोकसभा चुनाव है, लिहाजा उनकी भी अग्नि परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर रामपुर में प्रत्याशी के ऐलान से पहले ही समाजवादी पार्टी जिला अजय सागर ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा है कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने की मांग की थी, लेकिन अब इस पर फैसला जो अभी तक नहीं लिया गया है, इसलिए हमने मिलकर चुनाव बहिष्कार का फैसला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर में प्रत्याशी के ऐलान से पहले सपा जिला अजय सागर ने जिला बहिष्कार, चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। सपा जिलाध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा है कि हमने अखिलेश अध्यक्ष हैं जो समाजवादी पार्टी के, रामपुर से चुनाव लड़ने की मांग की थी उनसे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ से चुनाव नहीं लड़े और कई नाम आए। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ की परेशानियों को देखते हुए, यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में, पहले के चुनाव में जो परेशानियाँ आई हैं उनको देखते हुए, प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है उसको देखते हुए, आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं, हम चुनाव में नहीं जाएंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं, राजनीति से हटके कुछ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आगरा की बात करेंगे, जहां पर तेज रफ्तार कार का एक आग का गोला बनता हुआ भयावह तस्वीरें नजर आई हैं। तेज रफ्तार कार आग का गोला बन गई, कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ये मामला थाना रकाबगंज क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के पास माल रोड का है। रोड पर एक कार चल रही थी, तभी अचानक से कार में आग लग गई। कार में आग लगते देख लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। सूचना पर थाना पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।
उधर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस स्टंटबाजों के खिलाफ अभियान चलाने को लेकर नाकामयाब साबित होती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं ये खबर। पुलिस स्टंटबाजों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। कानपुर में बाइक सवार युवक का स्टंट करता ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि स्टंटबाज करने वाले शख्स के पीछे ही पुलिस भी चल रही है। पुलिस के सामने ये शख्स स्टंट कर रहा है। वीडियो में स्टंट करते बाइकर्स के पीछे पुलिस वाले भी आपको दिखाई देंगे। पुलिस वाले कार्रवाई करने की बजाय स्टंट का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। स्टंट का ये वीडियो गंगा बैराज का है। कई बार इस तरह के स्टंट करने वाले लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और आसपास में सफर करने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आइए बढ़ते हैं आगे बहराइच से खबर, जहां पर कार से स्टंट करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तीन लड़कों ने तेज रफ्तार कार की खिड़की के बाहर निकलकर स्टंटबाजी की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वीडियो। कार सवार इसी तरह से शहर के DM तिराहा कलेक्ट्रेट से होकर गुजरे हैं। स्टंट का ये वीडियो कल का बताया जा रहा है। उधर पीलीभीत में बाघ के हमले में 19 साल के दिलीप की मौत हो गई है। घटना न्यूरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव सेमपुर की है। दिलीप होली खेलने के लिए अपने खेत पर गया हुआ था। देर शाम तक जब तक वो नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता सताने लगी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफ़ी खोजबीन के बाद शव खेत में पड़ा मिला। शव की शिनाख्त कर पाना बेहद मुश्किल था। घटना से गुस्साए हैं गांव वाले। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी को अस्पताल से दोबारा बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तबियत खराब होने के बाद मुख्तार को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद मुख्तार को अब फिट घोषित किया। इसके बाद बांदा मेडिकल कॉलेज से अब एक बार फिर से जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी की बीती रात अचानक से तबियत खराब होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब एक बार फिर से बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है मुख्तार अंसारी। एक तरफ आपको बताते हैं कि पहले चरण के नामांकन का दौर चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विवादित बयानबाजी भी अब शुरू हो चुकी है। दरअसल मुरादाबाद से टिकट मिलने के बाद सपा प्रत्याशी एसटी हसन अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर घमासान मचा है। सुनिए उनका बयान। समाजवादी पार्टी के सांसद और फिर से सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे एसटी हसन अब मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश में लगे हैं। अल्पसंख्यकों से वोट पाने के लिए रात के अंधेरे में विवादित बयान देने लगे हैं और गुमराह करने लगे हैं। बदला लेने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह हम फासिस्ट ताकतों को जबरदस्त शिकस्त देंगे। विवादों का दूसरा नाम एसटी हसन के टिकट पर पहले संशय था, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से टिकट का ऐलान किया एसटी हसन एक बार फिर विवादित बयान देने लगे और मुस्लिमों को भड़काने लगे। एसटी हसन ने कहा, 10 सालों में मुसलमानों पर काफी जुल्म हुआ, लेकिन अब फासिस्ट ताकतों को जबरदस्त शिकस्त देंगे। आने वाली नस्लों के लिए हमें जीतना होगा। हमारी जुबान बंद कर दिए, सिर्फ आंखें खुली हैं। इंशाअल्लाह जालिम का खात्मा जरूर होगा। एसटी हसन के एक एक शब्दों में नफरत है, माहौल खराब करने की कोशिश है और मुस्लिम वोट बैंक के लिए सियासी साजिश। जो हालात पिछले 10 साल से हमारे ऊपर गुजर रहे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। ये वक्त आ गया है
उनसे उनके जारहाना रवैये का बदला लेने का। हमने बहुत झेल लिया, हमारी जबानें बंद हैं, हमारी आंखें खुली हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर कहेगा तो ईडी, इनकम टैक्स या जेल जाना पड़ेगा। आखिर ये ज्यादती कब तक? सपा नेता के इसी बयान पर सवाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी उठाने लगे हैं और जाति धर्म की राजनीति नहीं करने की नसीहत दी जा रही है। एसटी हसन समेत पूरी समाजवादी पार्टी जनता जनार्दन के अदालत से खारिज की जा चुकी है। अब अल्लाह याद आ रहे हैं। शब्द और बोल तो एसटी हसन के हैं, लेकिन ये जो जहर बुझा तीर निकल रहा है वो सोच अखिलेश यादव की है। जो राम राज्य की परिकल्पना है, जहां सबका साथ और सबका विकास है, उनसे देखा नहीं जाता है। और मुझे लगता है कि सत्ता को प्राप्त करने की जो बौखलाहट है, उसमें अनाप शनाप रुल जुल बयान समय समय पर ये देते रहते हैं, पर मुझे लगता है कि अब भारत की जनता ने सिरे से इनको नकार दिया है और सत्ता में आने की सोच छोड़कर और समरसता की बात इन्हें करनी चाहिए। नहीं, ये जालिम लोग स्वयं हैं और जालिम की जो दृष्टि होती है वो दूसरे को भी उसी दृष्टि से देखती है। दरअसल मुरादाबाद में बीजेपी ने चौथी बार सर्वेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी के सर्वेश सिंह की सवर्ण वोटों पर अच्छी खासी पकड़ है, तो वहीं सपा के एसटी हसन की मुस्लिम वोट पर पकड़ मानी जाती है। और यही वजह है कि एसटी हसन मुस्लिमों के नाम भड़काऊ बयान दे रहे हैं ताकि खास वोट बैंक को साधा जा सके। हालांकि सपा नेता के इस विवादित बयान पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। थोड़े से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।